तो आपका एक बार दिल से स्वागत है आज के स्टूडियो में। दिखाने जा रहा हूँ आज है 1 नवंबर और गर्दनी बाग पटना में आशा कार्यकर्ताओं का 25,000 रुपए मानदेय को लेकर के कौशलेंद्र कुमार वर्मा जो हड़ताल कर रहे हैं उसका माहौल कैसा है उसको अभी दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला वीडियो देखिए। और उसके बाद क्या है दिखा रही मुलायम जी? यस अभी बच्चे अभी मत जाइए। यस सर अपन हम जो है सांस से लड़े आशा का नियोजन 5 में हुआ था और हमने संगठन बनाए 7 में शुरुआत किए थे। पहला रैली देवी को याद होगा कि 7 में जब निकाले थे कानून राज से तो हम बोले कि रैली निकलेगा और हम निकलेंगे। उसके बाद जो छाता लगा के रैली निकाले थे 2007 में ममता को याद होगा और उस समय हमारे ग्राम परिषद में थे उषा सनी बेगूसराय के विधायक और उसने बोले कि हम सदन के अंदर में आवाज को उठाएंगे। उसके बाद जो है डिमांड हम बनाए मोबाइल की व्यवस्था के लिए 7 के बाद लगातार तो यहाँ के बहुत शासक देखे होंगे लड़ाई जब कुछ लोग घोषणा किए। इसके पहले 3 संघ मिलकर हड़ताल किए थे मैं 3 संघ मिलकर हड़ताल किए थे उस समय डिमांड था 18,000 का और इस बार महंगाई बढ़ गई तो महंगाई 20 गुना बढ़ गई तो हमारा डिमांड बढ़ना चाहिए था। उस डिमांड को देखते हुए हमने नारा लगाए 25,000 तय करो 1,000 दम नहीं 25,000 से कम नहीं। कुछ लोग 10,000 के लगाए क्या महंगाई घटता है क्या महंगाई बढ़ता है कि घटता है तो हमने महंगाई को बढ़ाए हड़ताल की घोषणा हो गई। हमको लगा कि अगर हम बैठ जाइए इस लड़ाई को जो है हमने जो है महसूस किए और उसके बाद लड़ाई को आगे बढ़ाए। हमने कहे कि नहीं हड़ताल में जरूरी है दो संघ हड़ताल कर देगा और हम नहीं करेंगे तो सरकार के अंदर मतभिन्नता जाएगी। तो हमने बैठक किए और 11 जुलाई को विधानसभा के घेराव किए। उसके बाद 17 जुलाई से हम हड़ताल पर गए गए बैठ जाइए नहीं ऊपर बैठिए 17 जुलाई के हड़ताल पर गए और लगातार लड़ने के बाद हमने हड़ताल को जो है काहे के लिए बहुत हम चल जाएंगे लौट जाएंगे आज जो है 17 जुलाई से हम जो है लगातार लड़े। लड़ने के बाद इस जगह 3 तारीख के भी कार्यक्रम हुआ था हमने कहीं विरोध नहीं किए। 12 जुलाई के हमने नैतिक समर्थन किए वासा की लड़ाई है बैनर कोई का हो वासा की लड़ाई है हमने नहीं कहीं बिंदु पर आलोचना किए हम नैतिक समर्थन किए। आशा के लिए कोई लड़ेगा कोई बैनर लड़ेगा तो मेरा समर्थन होगा और हमने किए। आगे कोई मोबाइल बंद कर दीजिए इस लड़ाई को हमने जो है आगे बढ़ाए और उसके बाद मंगला के घेरो नीतीश कुमार के रास्ता रोको शहर गए थे 40,000 आशा। मुख्यमंत्री ट्वीट की तस्वीर को कि आशा पर लाठी नहीं चलना चाहिए टक वाले हैं हमारे पर लाठी चलेगी। बैंक की हड़ताल रेलवे की हड़ताल हवाई जहाज के कर्मचारी हड़ताल कॉलेज के कर्मचारी हड़ताल प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर ठप मुख्यमंत्री सचिवालय के कार्यालय में सर्व निकल हो गए। बैंक में कोई और क्या बिजली में कोई और है क्या रेलवे में कोई और है क्या शिक्षक संघ में कोई और है क्या प्राइमरी टीचर कोई और है? अभी आंगनबाड़ी लड़ रही है देर तक के लोग बहादुरी के साथ हम आंगनबाड़ी के समर्थन किए हैं और एक के बाद 3 तारीख के जहानाबाद आंगनबाड़ी बोली कि तो सुंदर भाई आप आइए अपना धरती पर वो लड़ाई लड़ रही है अपना बैनर के लिए क्या दिक्कत है। हम 3 तारीख आंगनबाड़ी का विरोध कर रहे हैं जहानाबाद
यहाँ बुलाए हमको, हम आए महिला कर्मचारी कोई लड़े कोई भी हक लड़ाई हो लड़ाई अलग अलग जरूर है, सबका मकसद एक है, सबके बच्चे न है। पगार आशा की बढ़े, आगना बढ़े, खिंचाव के भी बढ़े, जो लड़ रहे यहाँ आशा क्षेत्र की लड़ाई लड़े, आज जो लड़ रहे आशा की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को जो है आज दक्षिण कोरिया के वार्ता हुई डायरेक्टर, हम मुख्यमंत्री से मांग किए डायरेक्टर अगर सहमति पत्र नहीं निकालता है तो कार्रवाई करो डायरेक्टर पर, कौन बोलेगा डायरेक्टर के ऊपर, मुझे डर नहीं है उसको छोड़ेंगे नहीं विधानसभा के अंदर। डायरेक्टर बात करता लगता है कितना बड़ा जिम्मेदार है, तुम अफसर हो मालिक नहीं हो, हम बोले हैं ममता का दुर्गा जयंती में बोला कश्मीर सरकारी कर देंगे, हो गया क्या, हो गया क्या, इसलिए आगे भी सब लोग के बहुत सारी बात है, जिसे यहाँ पर मीटिंग शुरुआत होगी, आज कोई नहीं जाएंगे यहाँ से, आज जो हम लोग बजा बात करेंगे और आज के बाद आगे के आंदोलन लगातार होगा, मांगे लेना है, मांगे लेना है प्रसाद राशि लेना है, मांगे लेना है, मांगे लेना है, तो मांगे लेना है तो कल से बिहार, कल से नहीं 5 बिहार की यात्रा मेरा होगा, हम हर आशा के घर में जाने वाले हैं, ऐसे अभी मुजफ्फरपुर गए थे, छपरा गए थे, दरभंगा गए थे और 5 के बाद हम गया भी जाएंगे, गया आवेंगे कि नहीं आवेंगे, समस्तीपुर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल भोजपुर भी जाएंगे, लगातार बहुत दिन हो गया है, भोजपुर का कल्चर हम जानते हैं, लीची और बैगन का चोखा बहुत दिन से नहीं खाए, हम पहले 20 दिन जाते थे और बैगन का चोखा कई लोग फोन किए भोजपुर का हर ब्लॉक से कि हमको लगा भोजपुर से है कि नहीं, बैठ जाइए क्या सुशीला पाठक जी, हम पहचान नहीं है, आप आकर बैठ जाइए, आपको पटना की धरती पर स्वागत है, सीतामढ़ी के आ गए, अब अंतम शर्मे नहीं दूसरा झांसी की रानी आ गए, सितार अपनाएंगे, अभी कई इसे सम्मिल के लड़ना होगा और आशा लीडर बन जाएंगे तो हम इसे बाहर हो जाएंगे, हमको लगेगा कि बहन साल लंबी हो गया है, मेरा वचन है, इसका लीडर आप लोग बनिए, लेकिन भाई कैसे बनकर छोड़ देंगे, फिर लीडर नहीं रहेंगे, क्या दिक्कत है बेबी जी, कोई दिक्कत है, लेकिन तुम कब छोड़ोगे, तुम कब छोड़ोगे, आशा का हमने लीडर बनाए हैं, परमिला ठाकुर लाइब्रेरी बोलती है उठ जाइए, इनको हम लीडर बनाए, हमने भाई होकर बना दिए। तो अभी आपने जो वीडियो देखा, वीडियो देख करके आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा, तो कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो मैं उससे वीडियो बना दूंगा, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में 25,000 रुपये मानदेय लिखना मत भूलना, तो फिर मिलते हैं कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।